पेशकश नाइन हॉटेस्ट गैजेट्स ऑफ 2009 में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को 2009 की हार्दिक शुभकामनाएं, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2009 में वो कौन सी टेक्नोलॉजीज होंगी, वो कौन से गैजेट्स होंगे जो हमारी लाइफ को आसान और एक्साइटिंग बनाएंगे, ये समझने के लिए हमने बात की 9 ऐसी कंपनियों से जो अपनी कैटेगरी में हर नए प्रोडक्ट के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को एक नए मकाम पर पहुंचाते हैं। नाइन हॉट गैजेट्स में आज हम बात करेंगे आसूस, गूगल और सैमसंग से और जानेंगे 2009 के लिए इनके हॉट गैजेट्स। इस फ्यूचरिस्टिक सफर की शुरुआत करते हैं एक ताइवान की कंपनी से आसूस, जो दुनिया भर में मदरबोर्ड्स बनाने के लिए मशहूर है। 2008 में इन्होंने जन्म दिया नेटबुक नाम की एक नई लैपटॉप कैटेगरी को अपने आसूस ईपीसी के साथ। आइए जानते हैं आसूस के 2009 में ईपीसी को लेकर और बाकी प्रोडक्ट्स को लेकर क्या प्लान है। विनय, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए और आपकी 2009 स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए। विनय, 2009 में जो ईपीसी के वेरिएंट्स आप लॉन्च करेंगे या नेटबुक्स जो नए लॉन्च करेंगे, किस किस्म की टेक्नोलॉजीज होंगी जो डिटरमाइन करेंगी कैसे प्रोडक्ट्स आप 2009 में लॉन्च करेंगे? 2009 में जो प्रोडक्ट हो गए वो बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर्स लाइक द नेहलम प्रोसेसर्स। So the variants that will be coming up will be centric to the Nehalem processors, various families that would be coming. जी. And the second would be more on, हम जब भी EPC के बारे में बात करते हैं, तो energy efficient is one of the major criteria to be looked upon. अच्छा. Because power is a concern. बिल्कुल. And due to the current economical scenarios, जी. Saving is more crucial. बिल्कुल. So whatever we save is what we earn. Mm-hmm. EPC family is going to grow in India. We had हमने पहले EPC launch किया, अब हम e-box launch कर रहे हैं। जो EPC जो लेके mobile नहीं रहना चाहते हैं, जिनको office solution चाहिए, so हमने e-box जो desktop का smaller version है, that would be the world's smallest PC, you could say what we have designed. So that is almost like 1.7 centimeters only in width. But the core designing platform is power saving. We save almost 90% of the power against the conventional desktop. तो क्या 2009 में हम क्या देखेंगे? जो Intel Atom processor फिलहाल है, जिसमें multi-threading capabilities already है, क्या हम उसमें dual core offering देखेंगे या फिर किस किस्म की नई चीजें होंगी जिसके जरिए functionality पूरी तरह से बढ़ जाएगी एक netbook की? Netbook आज हम देख रहे हैं सिर्फ Atom based है, but certainly coming Q2 of 09 ड्यूअल कोर प्रोसेसर बेस्ड प्रोडक्ट्स आएंगे, बिकॉज वो हर एक स्टेज में ग्रेजुएट होना है। सो एटम बेस्ड विल बी एड्रेस टू एक सर्टन सेक्ट ऑफ द मार्केट को एड्रेस करता है। सो थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम चाहते हैं उनके लिए ये ड्यूअल कोर बेस्ड प्रोसेसर विल बी इम्प्लीमेंटेड। ईपीसी हो गया, ई बॉक्स हो गया, 2008 में इंडिया में नहीं लेकिन हमने यूके और यूरोपियन कुछ मार्केट्स में देखा। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ई टॉप। Yes. जो आसूस का पहला पैनल पीसी है, 15-16 इंच का पैनल पीसी है जो टच स्क्रीन केपेबल है। Right. तो फिर इंडिया में ई टॉप हम कब देख पाएंगे? इंडिया में प्रोडक्ट ये लॉन्च करने का जो टाइम फ्रेम हमने डिसाइड किया है वुड बी ऑलमोस्ट लाइक द फोर्थ वीक ऑफ जैन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एड्रेस द नीश मार्केट। एंड आई थिंक हमें ये क्वेश्चन आता है कि बजट होगा, लोग क्यों लेंगे। मेरे ख्याल से मर्सिडीज लेने वाले बजट नहीं देखते। सो ई टॉप इज सर्टेनली अ नीश मार्केट प्रोडक्ट। ओके। एंड हैज एन ऑडियंस ऑफ दोज हु आर स्केप्टिकल अबाउट यूजिंग कीबोर्ड्स। जो डेस्कटॉप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं, जिनको वो जो कंप्यूटिंग एरिना में जो फियर फैक्टर भर दिया है जी, उस चीज को चेंज करने के लिए इट इज ऑल ऑन अ टच स्क्रीन बेस। ओके। सो एल्डर्स और पेरेंट्स हु हैव नेवर यूज्ड अ कंप्यूटर विल फाइंड दिस अ मोर फ्रेंडली गैजेट फॉर देम। ओके। विंडोज एक्सपी जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड आता है आसूस के ईपीसीज पर, नाउ विंडोज एक्सपी की डेडलाइन आ गई है ऑलमोस्ट जुलाई या अगस्त 2009 के बाद जो फ्रेश सर्विस पैक होंगे विंडोज एक्सपी के वो माइक्रोसॉफ्ट ने डिसाइड किया वो नहीं बेचे जाएंगे। तो फिर आफ्टर लेट्स से जुलाई अगस्त 2009 जो ईपीसीज होंगे उसका क्या होगा? मतलब विल इट कम विद विंडोज विस्ता या जो ऑलरेडी एक्सपी के साथ हैं उस पर एक्सपी रहेगा? नए ईपीसीज में क्या विंडोज एक्सपी प्री इंस्टॉल आएगा या नहीं आएगा? जो नए पीसीज आएंगे विंडोज विस्टा होगा उसमें, बिकॉज हम जो ईपीसी ला रहे हैं विल बी विद द हार्ड ड्राइव ऑन
inbuilt in that. Mm-hmm. So that will be having the capability, and we will have a solution in 1 gig and 2 gig. So automatically it will support the Vista's solutions. Thank you so much for talking to us, Vinay. Thank you. साल 2009 का मोस्ट अवेटेड डेस्कटॉप कंप्यूटर Asus ETop. ये फुल टच स्क्रीन डेस्कटॉप पीसी Asus EPC फैमिली का नया मेंबर है. 15 इंच के वाइड स्क्रीन डिस्प्ले वाला डेस्कटॉप पीसी इंटेल एटम प्रोसेसर पर चलता है. ETop 1GB रैम और 160GB हार्ड डिस्क के साथ आएगा. विंडोज XP ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस डेस्कटॉप पीसी की खासियत इसके ग्राफिक्स होंगे जो इसकी टच स्क्रीन कैपेबिलिटी को बढ़ाएंगे. Asus ETop के बेहतरीन ग्राफिक्स इंटरफेस को सपोर्ट करता है ATI Radeon HD 3450. EPC की तरह ETop सस्ते में नहीं आएगा, but after all, every good thing comes with a price.